वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं हूं निलेश कुशवाहा और हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ साइंस का चैप्टर फर्स्ट, बायोडायवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। और स्टूडेंट्स, प्रीवियस के सिक्स वीडियो में हमने किंगडम फंगी, ठीक है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम प्लांटे को, ठीक है, कम्प्लीटली समझा है। आज हम लोग एनिमल किंगडम को समझेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि इस किंगडम में जितने भी एनिमल्स आते हैं या जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, वह कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, मतलब एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात क्या कि यह क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया कि इनमें जो सेल टाइप होता है वह थोड़ा सा एडवांस टाइप का होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक टाइप का होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल फॉर्म यहाँ पे नहीं होगा। तीसरी चीज क्या कि हेटरोट्रॉफिक फॉर्म्स के होते हैं, मतलब ये कि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, मतलब यह है कि यह ऑटोट्रॉप्स नहीं होते बल्कि हेटरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब अपने फूड के लिए अदर्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। दिस डू नॉट हैव अ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट पे तो हमने बात किया। अभी एक और चीज है कि इनके जो सेल है, ठीक है, इनका जो सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, प्लांट्स के केस में हमने देखा था वहां पर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट था, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। थर्ड चीज क्या है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मेनली बाय इंजेशन, मतलब क्या हो गया, ठीक है, इंजेशन लिखा है, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेस्टिव टाइप का होता है। इंजेस्टिव टाइप का मतलब यह है कि जो भी इनमें फूड मटेरियल होता है ना, फूड मटेरियल को ये बॉडी के अंदर लेते हैं माउथ के थ्रू, ठीक है, बॉडी के अंदर लिया जाता है, तो इस टाइप का इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जैसे आपने फंगी में देखा था तो फंगी में क्या था, एब्जॉर्प्टिव टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, मतलब वह क्या करता था कि डायरेक्ट जो फूड है उसका उसको एब्जॉर्ब कर लेता था, ठीक है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, थर्ड जो चीज है यहाँ पर देखिए कि दे हैव अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। अब इनमें देखिए कि एनिमल्स में जनरली क्या होता है कि अपने फूड को लेने के लिए, ठीक है, इनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने बटरफ्लाई में देखा है कि बटरफ्लाई में क्या होता है कि जूस सकिंग ट्यूब्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके थ्रू ये अपना फूड ले पाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कि ह्यूमंस में आपने देखा है कि माउथ होता है, ठीक है, हमारे जैसे माउथ है, माउथ के थ्रू हम अपना फूड लेते हैं, ठीक। थर्ड क्या है यहाँ पर, जैसे बर्ड्स में बीक्स है, तो बर्ड्स वगैरह को देखा होगा आपने कि बीक्स के थ्रू, ठीक है, उनके जो बीक होते हैं या हम कहें जो चोंच होता है उसके थ्रू वो अपना फूड लेते हैं, ठीक है। तो एक ये कैरेक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया कि इनमें स्पेशलाइज्ड, ठीक है, ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो उनके फूड लेने में हेल्प करता है। क्लियर है, चलिए। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर लोकोमोशन। अब देखिए कि ऑर्गन्स, ठीक है, या हम कहें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में जो उनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। लोकोमोशन का मतलब क्या, लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि देखिए दो चीजें हैं, पहला क्या मूवमेंट, मूवमेंट मतलब क्या है, जैसे देखिए इसमें क्या है, ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ये हिल डुल रहा है, यहाँ पर ये मूवमेंट है, लेकिन अगर इसका हम प्लेस चेंज कर दें, ठीक है, यहाँ से अगर ये इधर या कहीं जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये इसका प्लेस चेंज होना, ठीक है, प्लेस चेंज होने को हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। मूवमेंट में ओनली मूवमेंट होगा, हिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ, लेकिन लोकोमोशन की जब भी हम बात करते हैं तो प्लेस चेंज होता है, ठीक है। तो एनिमल्स में क्या होता है मेनली यहाँ पर कि इनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिससे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, जिससे ये लोकोमोशन कर पाते हैं हमको, ठीक। एग्जाम्पल्स अगर देखें तो जनरल सा एग्जाम्पल है, देखिए लॉयन हो गया, फिश हो गया, ठीक है, मैन हो गया, हाइड्रा है, अर्थफॉर्म है, तो ये सब किस में आ जाते हैं, आपके एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है, किंगडम एनिमिलिया में ही आते हैं। अब देखिए कि आपका जो एससीईआरटी का बुक है उसमें एक जनरल सा क्लासिफिकेशन करके दिखाया हुआ है, ठीक है, वैसे एनिमल किंगडम को, ठीक है, काफी मतलब बड़े लेवल पे बोलना चाहिए कि उसको क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे वहां पर, यहाँ पे जो जनरल सा दिया हुआ है इसी को हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है कि एनिमल किंगडम को मेनली टू भाग में, ठीक है, डिवाइड किया गया, ठीक है, एक आपका हो गया क्या वर्टिब्रेट्स और दूसरा हो गया इनवर्टिब्रेट्स। इसका क्या मतलब हो गया, देखिए
ऑल ऑर्गेनिज्म जो एनिमल किंगडम में आते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें कुछ ऐसे हैं जिनमें क्या है वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब यह है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उनमें प्रेजेंट होता है, और कई ऐसे हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम या हम कहें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो उसके बेस पे वर्टिब्रल कॉलम के बेस पे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि विथ वर्टिब्रल कॉलम एंड विदाउट वर्टिब्रल कॉलम। तो जो विथ वर्टिब्रल कॉलम वाले होंगे उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, वर्टिब्रेटा कहेंगे। ठीक है, और जो विदाउट वर्टिब्रल कॉलम वाला जो कंडीशन है उसको हम क्या कहेंगे, इनवर्टिब्रेट्स कहेंगे। ठीक है, या इनवर्टिब्रेटा कहेंगे। तो इनमें इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन आते हैं, मतलब जिनमें वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती, इसमें देखिए मेनली आपका अर्थ फॉर्म हो गया, एंट्स वगैरह हो गया, ठीक है, मॉस्क्यूटोज वगैरह हो गए। तो इनमें आपका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता। अब देखिए कि ऐसे एनिमल्स जिनमें क्या है वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, ठीक है, उनमें मेनली कौन कौन आते हैं, तो आपका मैमल्स हो गया, ठीक है, बर्ड्स हो गया, ठीक है, आपके एम्फीबियंस हो गए, मतलब जैसे फ्रॉग वगैरह हो गया, ठीक है, और आपका यहाँ पर हो गया देखिए कि फिशेस हो गए, ठीक है, फिशेस के बाद आपके जो रेप्टाइल्स वगैरह हो गए, रेप्टाइल्स का मतलब क्या, जैसे स्नैक्स वगैरह जो आते हैं, लिजर्ट वगैरह जो आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं कि जितने भी टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा, ठीक है, या हम कहें सॉरी वर्टिब्रा नहीं, वर्टिब्रल कॉलम वाले जो एनिमल्स हैं उनको भी देखिए सबसे पहले दो भाग में डिवाइड किया गया। तो किस बेस पे डिवाइड किया गया कि उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जिनके स्किन में हेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे हम अपनी बॉडी देखें, ठीक है, अपना स्किन देखें, ठीक है, हमारे में क्या होता है कि स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, हेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैन में, लॉयन में भी आपने देखा होगा छोटे छोटे स्किन, सॉरी छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर। ठीक है, तो मैन हो गया, लॉयन हो गया, कैट हो गया, काउ हो गया, इनमें क्या होगा कि स्किन के ऊपर हेयर प्रेजेंट होगा। लेकिन सभी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता। ठीक, कुछ वर्टिब्रेट्स हैं देखिए जिनमें क्या है स्किन के ऊपर हेयर प्रेजेंट नहीं होगा, वह कौन कौन से हैं, तो आपका फिश हो गया, ठीक है, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए। तो इनको अलग, ठीक है, अलग कैटेगरी में, ठीक है, अलग कैटेगरी में आ जाएंगे ये लोग। और यहाँ पर जो हेयर वाले थे वे यहाँ पर आ गए, मैन, लॉयन और कैट एंड काउ। तो ये मेनली किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, मैमल्स में। अब देखिए दूसरी एक चीज यहाँ पर कि जिनमें हेयर अब्सेंट है। ठीक है, अब हेयर अब्सेंट किनमें देखिए, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल एंड बर्ड्स। अब इनमें भी देखिए कि जो बर्ड्स हैं ये भी बाकियों से थोड़ा सा अलग है। वह कैसे कि बर्ड्स में हमको फेदर्स देखने को मिलते हैं, मतलब पंख देखने को मिलते हैं इसके स्किन में, बाकी किसी में आपको पंख देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, फेदर्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो चारों मेनली एक क्लास है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेनली क्या है देखिए, किंगडम हमने पढ़ा हुआ है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है, किंगडम, फाइलम, ठीक है, क्लास, सब क्लास वहां पर हमने देखा ना ऑर्डर। तो अभी आपको इतना डिटेल नहीं जानना है, बस आप सिंपली समझिए कि यहाँ पर देखिए फोर मान लीजिए क्लासेस है, इसमें से जो बर्ड है उनको अलग किया गया किस बेस पे कि इनमें फेदर्स प्रेजेंट है, बाकी में प्रेजेंट नहीं है। तो बर्ड्स में कौन कौन आ गए आपका, पैरोट, क्रो एंड हेन। ठीक है, अब देखिए कि जिनमें अब्सेंट है, ठीक है, फेदर्स जिनके स्किन के ऊपर हेयर प्रेजेंट नहीं है, वह कौन कौन से हो गए, आपका फिशेस हो गया, आपका एम्फीबियंस हो गया और आपका रेप्टाइल्स हो गया। अब देखिए कि इन तीनों में, ठीक है, एम्फीबियंस मैंने जैसे बताया कि मेनली इसमें फ्रॉग्स वगैरह ही आते हैं। ठीक, तो इन तीनों में एक जो चीज है, ठीक है, रेप्टाइल्स की जो इन तीनों से इसको अलग करती है वह है क्या कि इसका जो स्किन होता है, ठीक है, इसका जो स्किन होता है वह क्या है, मॉइस्चर नहीं होता। इसका जो स्किन है उसमें मॉइस्चर वाली जो बात है वह नहीं होती। ठीक है, तो स्किन विदाउट मॉइस्चर, इसलिए रेप्टाइल्स को यहाँ पर अलग कर दिया गया। ठीक है, ये तीनों से, तो रेप्टाइल्स में मेनली कौन कौन, लिजर्ट है, स्नैक्स है और टॉर्टाइस वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये सब आते हैं मेनली। अब देखिए कि बाकी जो दो बच गए, फिश एंड एम्फीबिया, इनमें क्या होता है कि स्किन विथ मॉइस्चर। ठीक है, तो मतलब इनका जो स्किन होता है वह मॉइस्चर होता है। ठीक है, नम टाइप का होता है थोड़ा सा, और मेनली ये एक्वेटिक भी होते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर फिश एंड एम्फीबिया, तो क्या स्किन विथ स्केल्स, इसके बेस में यहाँ पे अलग किया गया। ठीक है, अब मॉइस्चर दोनों में है बट स्केल्स प्रेजेंट है कि इनमें, फिशेस में, और स्केल्स प्रेजेंट नहीं है वह किस में, आपका एम्फीबियंस में।
तो उनको फिर से यहाँ पे कैटेगराइज किया गया। और फिश एंड एम्फीबिया मतलब फिश में आ गया आपका राहू, कतला, ठीक है, शार्क वगैरह भी आ जाती है यहाँ पे, और एम्फीबियंस में मेनली आ जाती है आपका फ्रॉग हो गया, ठीक है, और आपका टोड वगैरह हो गया, ठीक है। तो मैमल्स के, मैमल्स में हमने देखा कि ऑल जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको मेनली मैमल्स, ठीक है, चलिए नंबर लिख देते हैं पर कि मैमल्स, ठीक है, दूसरा क्या आपका बर्ड, तीसरा क्या आपका रेप्टाइल्स, ठीक है, फोर्थ क्या फिश एंड फिफ्थ क्या एम्फीबियंस, मेनली पांच कैटेगरी में या पांच क्लासेस में मेनली क्या किया गया, डिवाइड किया गया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, बट चलिए सफिशियंट है आपके, ठीक है, नाइन्थ क्लास के हिसाब से लगभग सफिशियंट है चीजें। अब देखिए एक आपके बुक में एक छोटा सा यहाँ पर एक और टॉपिक दिया हुआ है, नीड एंड प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नीड एंड प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब क्या कि जितने भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है इनका नेमिंग का, ठीक है, उनका जो नेम हम रखते हैं साइंटिफिक नेम मेनली रखते हैं, उसका आवश्यकता क्यों यहाँ पे पड़ गया, तो इसको समझिए। आपके बुक्स में भी दिया है, आप वहां पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि देखिए जैसे होता क्या है कि आपके बुक के चीज को, चलिए मैं बताता हूँ कि उसमें मैंने दिया पोटैटो का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अब पोटैटो का देखिए मेनली उसको क्या कहते हैं, मराठी में हम बटाटा कहते हैं, ठीक है, और हम जैसे पोटैटो ग्रुप में उसको जानते ही हैं, ठीक है, और भी अदर कंट्रीज में जाएं, और भी अदर स्टेट्स में अगर हम जाएं तो वहां पर देखिए उसको कुछ अलग नाम से ही जाना जाता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मराठी में उसको बटाटा कहते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि एक ही कोई अगर ठीक है कोई भी चीज है और उसका अगर अलग अलग नाम है, ठीक है, अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग नाम है, तो उससे क्या होता है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है, और उसकी स्टडी करने के लिए या और भी चीजों में क्या है उसका क्या होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ना, कन्फ्यूजन तो होगा ही अदर स्टेट में ये, ठीक, अदर स्टेट में वो, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात बनती है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनको ये थोड़ी सी आवश्यकता महसूस हुई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है खास करके प्लांट्स और एनिमल्स, इनका क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम होना चाहिए, ठीक है। और यह जो साइंटिस्ट थे ये थे कैरोलस लिनियस, ठीक है, और कैरोलस लिनियस ने क्या किया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है इनको क्या किया, साइंटिफिक नेम दिया, ठीक है। तो यह जो साइंटिफिक नेम दिया इनको, ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, देखिए कि बाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर टू होता है, ठीक, टू होता है, और नॉमियल मतलब हो गया दो हो गया, ठीक है, टू हो गया, ठीक है, सॉरी, नॉमियल का मतलब क्या हो गया, नेम हो गया, नॉमियल का मतलब क्या है, नेम से, और नोमेनक्लेचर से मतलब है कि सिस्टम ऑफ नेम, मतलब जो जो भी हम नाम देंगे ना उसका क्या सिस्टम होगा, उसको हम क्या कहेंगे, नोमेनक्लेचर कहेंगे, ठीक है। तो बाई मतलब टू, टू और नॉमियल मतलब मैंने क्या बताया, नेम बताया, मतलब जो भी साइंटिफिक नेम हम बनाएंगे अभी या इन्होंने जो बनाया है, ठीक है, तो वो मेनली क्या होगा, दो नामों से मिलकर बना होगा, बाइनोमियल होगा, टू नेम्स, सॉरी, टू वर्ड्स से मिलकर बना होगा, ठीक है, दो नाम नहीं कहना चाहिए, टू वर्ड्स से मिलकर बना होगा, बाइनोमियल होगा, ठीक है, टू वर्ड्स से मिलकर वो साइंटिफिक नेम बना होगा। तो यह जो साइंटिफिक नेम है ये कैसे इन्होंने बनाया, क्या कुछ किया, इसका इन्होंने एक रूल दिया, ठीक है, और इस रूल को हम समझते हैं क्या कुछ था ये, ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला बात इसका ये है कि द फर्स्ट वर्ड, ठीक है, जो भी साइंटिफिक नेम इन्होंने दिया था ना उसका इन्होंने रूल बनाया था कुछ, ठीक है, उसी को हम पढ़ रहे हैं, वन टू एंड थ्री है यहाँ पे मेनली, वैसे और भी हैं बट आपके बुक में लगभग तीन ही चीजों को मेंशन किया गया है, तो ये इसी को हम समझते हैं, ठीक। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम, मतलब जो भी साइंटिफिक नेम हम लिखेंगे उसमें जो फर्स्ट वर्ड होगा, ठीक है, वुड रिप्रेजेंट द जीनस, मतलब देखिए जो साइंटिफिक नेम होगा, जैसे जैसे हम पोटैटो का हम देख रहे थे, तो पोटैनो का, ठीक है, पोटैटो, तो पोटैटो में भी जो उसका साइंटिफिक नेम होगा, ठीक है, जैसे सोलैनम ट्यूबरोसम होता है, ठीक है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या होगा, सोलैनम ट्यूबरोसम, तो सोलैनम ट्यूबरोसम में जो सोलैनम होगा, ठीक है, वह क्या किस चीज को इंडिकेट करता है, ठीक है, वह करता है उसके जीनस को। और दूसरा जो चीज है, जो सेकेंड वर्ड है, ठीक है, जो सेकेंड वर्ड होगा, ठीक है, वह क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा आपके स्पीसीज को। मतलब क्या हुआ कि देखिए सोलैनम ट्यूबरोसम में जो सोलैनम था उसके जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो ट्यूबरोसम था वह उसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है,
क्लियर है। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखा है कि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या होता है। देखिए राना टिग्रिना, तो यह जो राना वर्ड है यह इसके जीनस को ठीक है रिप्रेजेंट करेगा, और जो टिग्रिना है यह इसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो साइंटिफिक नेम होंगे वह जीनस और स्पीसीज को दोनों को मिला के बनाया जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है यहाँ पर, द फर्स्ट अल्फाबेट इन द नेम ऑफ जीनस वुड बी इन कैपिटल लेटर, ठीक है। मतलब क्या कि जो देखिए जो मैंने क्या बताया कि जो इनका साइंटिफिक नेम होगा, ठीक है, इनके साइंटिफिक नेम में जो पहला जो वर्ड है यह इनके किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और दूसरा जो है वह इसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। इतना क्लियर है, अब आगे समझिए, काफी इजी है, ठीक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए यहाँ पे कि जो पहला जो वर्ड है इसका जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, फर्स्ट लेटर है यह क्या होता है, हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। इस जीनस का या जो पहला जो वर्ड है इसका पहला जो लेटर है फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल में होगा, उसी चीज को लिखा है, ठीक है, और बाकी उसके बाद के जो भी लेटर्स हैं वह क्या होंगे, हमेशा स्मॉल में होते हैं, क्लियर। तो कैपिटल लेटर वाइल द रेस्ट वुड बी स्मॉल लेटर्स, ठीक है, एक बार और बताता हूं, चलिए सुनिए कि होता क्या है कि इस ये जो साइंटिफिक नेम है इसका जो फर्स्ट वर्ड है जीनस होगा, सेकेंड वर्ड क्या होगा, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। पहला जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, कभी भी इसको स्मॉल में नहीं लिखा जाता, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने राना को इस प्रकार से लिखा ना कि जैसे मान लीजिए आर ए एन ए, ठीक है, ऐसा अगर कुछ लिखा, ठीक है, आपने आर ए एन ए, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा लेटर है वह क्या होना चाहिए, हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, और रेस्ट के इसके बाद के जो भी लेटर्स हैं तो वह हमेशा क्या होने चाहिए, आपके स्मॉल होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए द नेम ऑफ स्पीसीज वुड बी इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है, और याद रखिए कि देखिए इस जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वह हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, लेकिन जो स्पीसीज है इसमें कोई भी लेटर क्या होगा, कैपिटल नहीं होगा, हमेशा ये इसके सभी लेटर्स स्मॉल ही होंगे, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, क्लियर। चलिए लास्ट देखते हैं, बोथ द वर्ड्स इन ऑफ द नेम आर आइदर, ठीक है, अंडर लाइन और रिटन इन इटैलिक्स। इसका क्या मतलब है, देखिए इसका क्या मतलब है कि दोनों जो वर्ड्स हैं, ठीक है, दोनों जो वर्ड्स हैं जैसे यहाँ पर आपने दिखा हुआ कि बाकी वर्ड्स से थोड़ा सा अलग दिख रहा है, स्मॉल लेटर में तो है ही है, या क्या है थोड़ा सा तिरछा भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा आपको दिख रहा होगा ना। इसका क्या मतलब है कि जो भी देखिए साइंटिफिक नेम हम लिखते हैं वह क्या होना चाहिए, वो पहली बात तो ये कि वो इटैलिक में होने चाहिए। इटैलिक का मतलब क्या कि ऐसे जैसे नॉर्मल हम लिखते हैं ना, ठीक है, जैसे हम लिखे राना आर ए एन ए, ठीक है, तो ऐसे ना लिख के इसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इटैलिक में लिखेंगे, थोड़ा सा तिरछा होगा, आर ए एन ए, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है, मतलब इटैलिक में होगा पहली बात, ठीक है। और दूसरी जो बात है, अगर हम इटैलिक में नहीं लिखते तो उसको हम सिंपल लिखेंगे, जैसे ये हो गया राना टिग्रिना, मान लीजिए अगर ये सिंपल लिखा है तो, ठीक है, अगर ये सिंपल लिखा है तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसको हमको अंडरलाइन करना पड़ता है, ठीक है, मतलब हमको कुछ इस प्रकार से इसके नीचे से लाइन खींचना पड़ेगा और इसके नीचे लाइन खींचना पड़ेगा, समझ में आया। देखिए होगा क्या कि मान लीजिए ये कोई साइंटिफिक नेम है, चलिए इसको मैं, ठीक है, यहाँ से साफ कर देते हैं, चलिए, ठीक है, इसमें देखिए मेनली क्या, जैसे मान लीजिए कोई एक साइंटिफिक नेम है तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम इसको इटैलिक में नहीं लिखना चाहते, ठीक है, या नहीं लिखे हैं तो इसको हमको अंडरलाइन करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, जीनस को अलग और आपके स्पीसीज को अलग, ठीक है। तो मतलब साइंटिफिक नेम का ये रूल है, ठीक है, कि हमको अगर जब भी साइंटिफिक नेम लिखे हैं इटैलिक में नहीं लिखे हैं तो हमको अंडरलाइन करना पड़ेगा, अंडरलाइन नहीं करना चाहते तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, इटैलिक में लिखना पड़ेगा। जीनस का पहला जो लेटर है वह हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, बाकी जो अदर हैं वो क्या होने चाहिए, हमेशा स्मॉल होने चाहिए, ठीक है। और थर्ड जो चीज़ है कि फर्स्ट जो आपका वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकेंड वर्ड है वो किसको, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए आज हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन यहाँ पर एंड होता है, ठीक है, और चलिए ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, थैंक यू।